सिस्टम है, मार्केटिंग प्लान है, एजुकेशन सिस्टम है, प्रोडक्ट्स है, उनकी प्राइसिंग है, क्वालिटी है, हर एक चीज वो चीज है जिसके ऊपर सोच समझ के काम किया गया और उसको इंजीनियर किया गया। व्यक्ति की शुरुआत तो हमने तो की, तो दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इसका नाम वेस्टीज नहीं, इसका नाम वेस्टेज है। लोगों ने कहा कि ये कंपनी कभी चल नहीं सकती क्योंकि बाकी कंपनी किट बेचती है, किट के करके लोगों का रेवेन्यू आता है, इस कंपनी के अंदर किट नहीं है तो लोग इसके अंदर सफल हो नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं, ये कंपनी प्रोडक्ट का दाम कम रख रही है, इसका मतलब इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लोगों ने इतना कुछ कहा कि नहीं सिर्फ इस कंपनी का नाम वेस्टेज है, ये कंपनी 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी, और एक आदमी ने तो इतनी भी हिम्मत दी कि मुझसे आपने पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। मैंने उनसे कहा कि आपके 5 साल के बाद, मैंने 5 दिन नहीं बोला, 5 महीने नहीं बोला, मैंने कहा 5 साल के बाद। क्यों? क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। हमने कहा 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम हो और लोगों वैसी हो। जब इंटायर कंट्री में कोई पूछे कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब लोग पूछे कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो लोग बोले वेस्टीज के लीडर्स की तरह।